प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। दाऊद का खुदा वो मेरे साथ, शैतान बलवंत होता है जब। दाऊद का खुदा वो मेरे साथ, शैतान बलवंत होता है जब। यूसुफ का परमेश्वर उठाएगा, आए जीवन में सुख दुख जब। यूसुफ का परमेश्वर उठाएगा, आए जीवन में सुख दुख जब। यीशु मेरे लिए काफी है, सारे दुख मिटाने को। संतुष्टि देकर सदा काल तक, सहायक वो देगा विजय मुझे। संतुष्टि देकर सदा काल तक, सहायक वो देगा विजय मुझे। यीशु मेरे लिए काफी है। आज का संदेश ब्रदर रिचो मैथ्यू जयपुर से बांटा जाएगा, प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में सभी श्रोताओं को जय मसीह की। आज के थोड़ी देर के मनन के लिए हम निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय उसका 9वां वाक्य, द गॉस्पल अकॉर्डिंग टू ल्यूक चैप्टर 7:9। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और उसने मुंह फेर कर उस भीड़ से जो उसके पीछे आ रही थी कहा, मैं तुमसे कहता हूँ कि मैंने इसराइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। हम यहाँ एक सूबेदार के विश्वास के विषय में देखते हैं जिसके विश्वास को देखकर यीशु अचंभित हुआ। हम सभी इस वृत्तांत से भलीभांति परिचित है। यहाँ हम पढ़ते हैं कि किसी सूबेदार का एक दास जो उसका प्रिय था बीमारी से मरने पर था। उसने यीशु की चर्चा सुनकर यहूदियों के कई पुरनियों को उससे यह विनती करने को उसके पास भेजा कि यीशु आकर उसके दास को चंगा करे। यहूदियों के पुरनियों लोगों ने यीशु से कहा, वह इस योग्य है कि तू उसके लिए यह काम करे। वह हमारी जाति से प्रेम रखता है और उसी ने हमारे आराधनालय को भी बनाया है। तब यीशु उनके साथ गया और जब वह घर से दूर न था तो सूबेदार ने अपने पास कई मित्रों के द्वारा कहला भेजा, हे प्रभु दुख ना उठा, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत के तले आए। इसी कारण मैंने अपने आप को इस योग्य भी न समझा कि मैं तेरे पास आऊँ, पर वचन ही कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। यह बात सुनकर यीशु अचंभित हुआ और उसने मुंह फेर कर उस भीड़ से कहा कि मैं तुमसे कहता हूँ कि मैंने इसराइल में ऐसा विश्वास नहीं पाया। हम इस सूबेदार के विश्वास की कुछ विशेषताएं को हम देखेंगे। हम इस सूबेदार के विश्वास में चार जो क्वालिटीज है उसको हम देखेंगे। सबसे पहली क्वालिटी जो है वह है प्रेम। हम पढ़ेंगे इसका 2वां वाक्य और 5वां वाक्य कि सूबेदार का एक दास जो उसका प्रिय था। हम यह पढ़ते हैं कि वह दास से प्रेम रखता था और हम इसके 5वें वाक्य में पढ़ते हैं कि वह हमारी जाति से प्रेम रखता है। अर्थात यह सूबेदार यहूदी जाति से प्रेम रखता था। यह एक अन्य जाति का होकर भी, एक रोमी सिपाही होकर भी यह यहूदी लोगों से प्रेम रखता था। तो हम जो पहली क्वालिटी सूबेदार के विषय में देखते हैं वह है उसका प्रेम। और अब हम दूसरी क्वालिटीज देखेंगे, वह है उसका कर्म, या फिर हम कहेंगे डीड्स। इसके लिए हम पढ़ेंगे इसका 5वां वाक्य, उसी ने हमारे आराधनालय को बनाया है। यह हम पढ़ सकते हैं कि सूबेदार में केवल विश्वास ही नहीं, अर्थात उसके पास विश्वास के अलावा उसके विश्वास में कर्म भी था। जैसा हम याकूब की पत्री में पढ़ते हैं, विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। यह हम देख सकते हैं कि सूबेदार में विश्वास के साथ अच्छे कर्म भी थे। जैसा हम 1 जॉन उसके 3:18 में पढ़ते हैं, लेट अस नॉट लव विथ वर्ड्स और टंग्स बट विथ एक्शंस एंड इन ट्रूथ। हम जो तीसरी क्वालिटी उस सूबेदार के विषय में देखते हैं
वो है उसकी ह्यूमिलिटी, या हम कहेंगे उसकी दीनता। इसके लिए हम पढ़ेंगे उसका चौथा वाक्य और छठा और सातवां, कि वह इस योग्य है कि तू उसके लिए यह करे, छठा और सातवां वाक्य। लेकिन सूबेदार ने अपने मित्रों के द्वारा कहला भेजा कि मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए, इसी कारण मैं अपने आप को इस योग्य भी न समझा कि मैं तेरे पास आऊँ। या हम देख सकते हैं कि पुरनियों लोगों ने यीशु मसीह से कहा कि वह इस योग्य है। हम इसी के अपोजिट टेस्टिमनी सूबेदार के द्वारा देखते हैं कि वह बोलता है कि मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए, या फिर मैं अपने आप को भी इस योग्य नहीं समझता कि मैं तेरे पास आऊँ। या हम सूबेदार के जीवन में जो उसकी तीसरी क्वालिटी देखते हैं वो है दीनता। सूबेदार की विश्वास में हम दीनता को देखते हैं, और उसकी लास्ट क्वालिटी जो है वह है कि वह यीशु मसीह के अधिकार को पहचानता था। He knows the authority of Lord Jesus Christ। इसके लिए हम पढ़ेंगे उसका सातवां अध्याय उसका आखिरी के कुछ पद, कि वचन ही कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। यह हम देख सकते हैं कि उस सूबेदार के विश्वास की हम चौथी क्वालिटी को पाते हैं कि वह प्रभु यीशु मसीह के अधिकार को पहचानता था, इसलिए उसने कहा कि वचन ही कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। हम इस सूबेदार के जीवन में उसके विश्वास में हमने चार क्वालिटी को देखा। पहला था लव या प्रेम, दूसरा था डीड्स उसके कर्म, तीसरा हमने देखा ह्यूमिलिटी दीनता, और चौथा हमने देखा ही नोज द अथॉरिटी ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, या वह यीशु मसीह के अधिकार को पहचानता था। सूबेदार के इस विश्वास की विशेषताओं ने न केवल प्रभु यीशु मसीह को अचंभित किया, बल्कि हम देख सकते हैं उसके दसवें वाक्य में कि भेजे हुए लोगों ने घर लौटकर उस दास को चंगा पाया। हम यह पढ़ते हैं कि उसके दास जो बीमार था, जो मरने की अवस्था पर था, वह प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उनके वचनों के द्वारा चंगा किया गया। हम प्रभु यीशु मसीह के सेवकाई के समय में हम सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह को दो बार हम अचंभित होते हुए देख सकते हैं। पहला हम देख सकते हैं जो हमने अभी पढ़ा, सूबेदार के विश्वास से प्रभु यीशु मसीह अचंभित हुआ, ये घटना कपरनहूम में थी। हम प्रभु यीशु मसीह को सुसमाचार में एक बार और अचंभित होते हुए हम देख सकते हैं। उसके लिए हम पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसका छठा अध्याय उसका छठा वाक्य, द गॉस्पल अकॉर्डिंग टू मार्क चैप्टर 6:6। वह हम पढ़ते हैं, और उसे उनके अविश्वास पर आश्चर्य हुआ। या हम पढ़ सकते हैं प्रभु यीशु मसीह इसराइली लोगों के अविश्वास पर आश्चर्य हुआ। तो हमने देखा प्रभु यीशु मसीह दो तरीके से अचंभित हुआ, पहला उस सूबेदार के विश्वास पर और दूसरा इसराइली लोगों के अविश्वास पर। अभी हमारा निर्णय है कि हम किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह को अचंभित करना चाहते हैं। क्या हम सूबेदार की इस विश्वास के आधार पर प्रभु यीशु मसीह को अचंभित करना चाहते हैं, या फिर उन इसराइली लोगों के अविश्वास के आधार पर। मैं आशा रखता हूँ, मैं ये विश्वास करता हूँ कि हम सब इस सूबेदार के विश्वास के आधार पर हम प्रभु यीशु मसीह को अचंभित करने पर जरूर सफल होंगे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इस वचनों के आधार पर परमेश्वर हम सबको आशीष दे, उसी के बड़े नाम की आराधना हो। धन्यवाद।